बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो बिजनेस मैथ फॉर आईकॉम पार्ट वन, बुक शाहिद जमाल की फॉलो कर रहे हैं। चैप्टर नंबर टू कंटिन्यू है, रेशियो प्रोपोर्शन एंड परसेंटेज। एक्सरसाइज नंबर टू का क्वेश्चन नंबर 2.33 है, ये आपको बुक के पेज नंबर 54 पे मिल जाएगा। तो क्वेश्चन है, एट प्रेजेंट द एजेस ऑफ खालिद एंड सोहेल आर इन द रेशियो ऑफ 4:3 रिस्पेक्टिवली। इन 6 ईयर्स टाइम विल खालिद विल बी 26 ईयर्स ओल्ड, हाउ ओल्ड इज़ सोहेल एट प्रेजेंट। ठीक है, तो यहाँ पे हमें सोहेल की प्रेजेंट एज फाइंड करनी है और खालिद की जो एज है ना वो बता रहे कि ना 6 साल के बाद वो 26 ईयर्स का हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे रेशियो गिवन है 4:3। ठीक है, यहाँ पे खालिद एंड सोहेल का जो रेशियो दिया हुआ है वो है 4:3। ठीक है, तो खालिद इज़ टू सोहेल इक्वल टू 4:3 है। ठीक है, तो हमने सपोज़ कर लेना है कि खालिद एंड सोहेल को सपोज़ कर लेंगे एक्स एंड वाई। ठीक है, एक्स एंड वाई हमने खालिद एंड सोहेल को सपोज़ कर लिया, तो हमने यहाँ एक्स एंड वाई लगा दिया, तो यानी कि एक्स एंड वाई एक्स इज़ टू वाई इक्वल है किसके, 4:3 के। अब ये जो एक्स इज़ टू वाई है, हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, x अपॉन y इक्वल टू, और ये 4:3 को हम यूँ भी लिख सकते हैं, 4/3। ठीक है, तो ये एक हमारी इक्वेशन बन गई। अब हमने देखना है कि हमने खालिद को क्या सपोज़ किया था, x, तो x सपोज़ किया था ना, x कर देंगे, x को हमारे जो क्वेश्चन है उसमें लिखा हुआ है कि खालिद इन 6 ईयर्स टाइम खालिद विल बी 26, यानी कि 6 साल के बाद खालिद 26 ईयर्स ओल्ड हो जाएगा। ठीक है, तो यानी कि खालिद हमने एक्स को सपोज़ किया, इसमें हम क्या कर देंगे, प्लस 6 कर देंगे। ठीक है, प्लस 6 कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, 26 का हो जाएगा। ठीक है, यानी कि कहा था कि 6 साल के बाद खालिद जो है वो 26 का हो जाएगा, तो हमने इस तरह इक्वेशन बना दी कि खालिद के अंदर अगर 6 प्लस करेंगे तो वो 26 हो जाएगा। अगर ये 6 है तो ये कितना होगा जो जाके 26 बना, तो ये ज़ाहरी बात है ये क्या होगा, ये 20 कहलाएगा। ठीक है, वी नो डैट x इक्वल टू 20। ठीक है, ये 20 हुआ, ये 20 हुआ, इसको प्लस 6 पे किया, फिर जाके ये 26 हो गया। ठीक है, तो इस तरह बन के हमारे पास किसकी एज आ गई, ये हमारे पास खालिद की एज आ गई प्रेजेंट की। प्रेजेंट एज है खालिद की 20 और वो फ्यूचर एज हो गई हमारे पास खालिद की 26। तो यहाँ पे हमारे पास प्रेजेंट एज है देखें खालिद की 20 और फ्यूचर एज है खालिद की 26। ठीक है, अब हमारे पास खालिद की दोनों एज आ गई। अब हमने सोहेल की प्रेजेंट एज फाइंड करनी है, ठीक है, फ्यूचर एज फाइंड नहीं करनी। ठीक है, तो हमने सोहेल की प्रेजेंट एज फाइंड करनी है। ठीक है, तो ये जो हमने इक्वेशन बनाई थी ये वाली, इसमें हम एक्स की वैल्यू को पुट करेंगे। ठीक है, पुट वैल्यू ऑफ x इन द इक्वेशन, देन वी गेट x अपॉन y इक्वल टू 4/3। ठीक है, तो हमने इसमें x की वैल्यू ऐड कर दी जो कि कितनी है, 20। ठीक है, 20/y इक्वल टू 4/3। ठीक है, अब हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, यानी कि 20 को 3 के साथ करेंगे और y को 4 के साथ करेंगे, तो 2 3 6 और 0 को 0 और इक्वल टू 4y। ठीक है, 60 इक्वल टू 4y। अब हमने इक्वेशन को प्लट देना है। ठीक है, तो ये हो गई 4y इक्वल टू 60 और y यहाँ रह गया, और 60 को हमने डिवाइड कर दिया 4 से, 60 को 4 से इसलिए डिवाइड किया, यहाँ y के साथ 4 मल्टीप्लाई हो रहा था तो हमने वहाँ ले गए, तो ये डिवाइड हो गया। ठीक है, अब इसको सिंपल डिवाइड करेंगे कैलकुलेटर में, 60 डिवाइडेड बाय 4 इक्वल टू 15, तो ये 15 क्या हो गई, प्रेजेंट एज ऑफ
सोहेल, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ आंसर कंप्लीट होता है। तो ये हमने प्रेजेंट एज ऑफ सोहेल भी निकाल ली, और फ्यूचर एज नहीं मांगी थी, जो मांगी थी वो हमने निकाल ली, ठीक है। प्रेजेंट एज ऑफ सोहेल कितनी है, 15, और यहाँ इसका यूनिट लगेगा, ठीक है। कितने साल का है ये प्रेजेंट में, 15 ईयर्स ओल्ड है ये सोहेल प्रेजेंट में, और खालिद कितने का है, 20 का अभी प्रेजेंट में, और खालिद 6 साल के बाद 26 का हो गया, और सोहेल की फ्यूचर एज नहीं फाइंड करनी थी, सिर्फ प्रेजेंट एज फाइंड करनी थी। तो ये प्रेजेंट एज हमने बता दी कि प्रेजेंट एज ऑफ सोहेल इज़ 15 ईयर्स ओल्ड। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।